समय उनका बैच ये है हमारे बैच। और अभी बताइए आज ईएमसी और पावर किस किसने रिवॉल्व किया, बिल्कुल ये देखिए। और कल करेंगे सीपीयू रिवॉल्व करेंगे कल, और कम से कम मिनिमम 5 टाइम, मैं तो चाहता हूं 10 बार करें। टेस्टिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं पूरी क्लास होने के बाद फिर से पूरी टेस्टिंग एक बार फिर से बताऊंगा। मैं रिवीजन कराने में बहुत बिलीव करता हूं, कम से कम 10 बार रिवीजन यही होना चाहिए। उमर की बेच यस सर, लाई होगी नहीं भाई? यस सर लाई हो। यस सर आज हमारी किसकी क्लास थी? हमारी कंपोनेंट। और मॉर्निंग में काई की थी? कितनी बजे आए आप? 8 बजे से 11 बजे तक हमारी काई की क्लास थी आईसी रिबोलिंग की। इसके पहले यहाँ से आपने आईसी रिबोल की थी क्या? आपने की थी? नहीं सर। आपने की थी? नहीं सर। आपने की थी? नहीं सर। आपने की थी? आपने की थी? नहीं सर। आपने की थी? नहीं सर। आज किस किसने आईसी रिबोल करी, हाथ खड़ा करके बताओ कितनी बार करी आपने? आपने कितनी बार करी? 7 बार। कैसी लगी ट्रिक यहाँ की? बहुत अच्छी। बताने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा है। आपने कितनी बार की? 5 बार। आपने कितनी बार की? 10 बार। आपने 11 बार। आपने 11। उधर आपने 1 बार। आपने 4 बार। आपने इधर आपने 5 बार। आपने 10, 7। आपने 3 बार। सरफराज कितनी बार की? 10। तो यहाँ पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आपको? दोपहर में आपकी क्लास थी मिस्टर देवरतन अग्रवाल जो यहाँ के हेड है उनके साथ आपकी क्लास थी। आज तक आपने उनको यूट्यूब या वीडियो में देखा था, आज आपको साक्षात्कार आमने सामने पढ़ने का मौका मिला। तो जैसा वीडियो में बताया था तो उससे बेस्ट पाया कि वैसे ही पाया? बताओ किस लेवल तक पढ़ाया आपको? एक कंपोनेंट को समझाया, किस लेवल तक समझाया? मतलब वो दुकानदारी वाली लैंग्वेज है कि टेक्निकल लैंग्वेज है? आप टेक्निकल सीखना चाहते हैं कि दुकानदारी वाला नॉलेज चाहते हैं? है ना, टेक्निकल चाहते हैं ना आप, अंदर तक का नॉलेज चाहते हैं ना? आप पैशनेट रहे, अंदर तक का आपको नॉलेज मिलेगा, एक एक चीज का मिलेगा। बात करें पहले दिन की, रजिस्टर पूरा दिमाग में घुसा आपके? उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया सर ने आपको? पूरे हैंडसेट में प्रैक्टिकल करके बताया आपको? है ना, एक रजिस्टर का कितना इम्पोर्टेंट होता है? कौन से रजिस्टर है जिनको हम जम्पर नहीं कर सकते? बहुत से रजिस्टर है, डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। हम जो थर्मिस्टर होता है हमारा थर्मिस्टर हम पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे? खड़े करके बताओ कौन कौन पहचान पाएगा? 2 मिनट। कितनी देर लगेगी? 2 मिनट। मोहितुल्ला सामने आओ। ओबेदुल्ला ये बताइए आप मेरे को थर्मिस्टर को फाइंड कर सकते हो आप? बिल्कुल कर सकते हैं। टेक्निक नहीं बताना है, कोई भी रजिस्टर आप, अगर मैं आपसे मल्टीमीटर से कोई सा भी रजिस्टर को बोलूं तो आप उसकी रीडिंग निकाल के बता सकते हो कि कौन सा के में है, कौन सा ओम्स में है, कौन सा एलवीआर है, कौन सा एचवीआर है? पूरा निकाल सकता हूं। एलवीआर एचवीआर कौन कौन बता सकता है, हाथ खड़ा करके बताओ? एलवीआर एचवीआर यस सर। अब हम रजिस्टर की वैल्यू में कहीं फंसेंगे क्या निकालने में मल्टीमीटर से? नहीं सर। हमने ऑटो मल्टीमीटर भी समझा और मैनुअल मल्टीमीटर भी समझा। यस सर। है ना, किसी को कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नहीं सर। आज की पढ़ाई में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं सर। कल हमारी काय की क्लास है, वापिस यही क्लास है कंपोनेंट की? यस सर। एक दिन में सारे कंपोनेंट खत्म कर दिए क्या? नहीं सर। कितने दिन की क्लास है, 10 या 12 दिन की क्लास है क्या आपकी? नहीं सर। कितने दिन की क्लास है? 1 महीने की क्लास है? यस सर। है ना, वो 1 महीने चलेगी ना? यस सर। आज पढ़ाया आज खत्म हो जाएगा क्या? नहीं सर। डे बाय डे चलेगा मेरे भाई? यस सर। है ना, डे बाय डे चलेगा, कोई आज आखिरी क्लास नहीं है? नहीं। एक चीज बताओ क्या अच्छी लगी आपको एशिया टेलीकॉम की? एक चीज बताओ, आज आपका पहला दिन है आप यहाँ आए हो, एक बात बताओ मेरे को क्या अच्छी चीज है? सर पढ़ाने का सर तरीका, और सर दुनिया से सर बहुत दूर से आए हैं सर, पढ़ाने का एक तरीका। तो आप इतनी दूर से आओ तो आपको निराशा हाथ लगी कि खुशी हो रही है आपको? होप है सर, पता है कि यहाँ से 100% सर बिल्कुल सक्सेस पॉइंट आगे निकली सर। एक थोड़ा सा एक शब्द में बताइए आप क्या क्या चीज़ अच्छी लगी, बेस्ट क्या लगा इसे डलेगा? यहाँ के सारे टीचर्स पूरा ईमानदारी से पढ़ाते हैं, पूरा टाइम हमको देते हैं। वो टाइपिंग की कोई फाउंडेशन है क्या यहाँ पे? कोई फाउंडेशन नहीं। क्या अच्छी लगी, बेस्ट क्या लगा आपको? सर यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, और जो चीज़ें हम लोग बहुत टाइम से फाइंड करने के लिए सोच रहे थे वो थर्मिस्टर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इजीली बता दिया सर। ठीक है, आपका कैसा अनुभव रहा भैया आज का, और क्या चीज़ अच्छी लगी आपको एशिया टेलीकॉम की? मोबाइल रिपेयरिंग में मैं पहली बार आया हूँ, और रिबोलिंग आज मैंने पहली बार मेरे हाथ में शोल्डर पकड़ा है और कम्प्लीट है, मेरे हाथ से 4 बार हुआ, ये सबसे बढ़िया। और हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या बेस्ट लगा आपको एशिया टेलीकॉम में?
सबसे बेस्ट लगा सर। सबसे बेस्ट लगा, क्या चीज अच्छी लगी टेल मी सर। पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा आपको? जी सर। ओवरऑल अगर मैं बोलूं देव सर के साथ आपका अनुभव कैसा रहा आपका, थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा। मतलब किस लेवल से, किस लेवल तक पढ़ाते हैं? एंडलेस लेवल। एंडलेस लेवल पे। एनर्जी में कोई कमी देखी आपने? नहीं सर। सवेरे से लेके शाम तक 6 बजे तक आपके साथ थे, कितने घंटे साथ थे आपके? बहुत टाइम। 12 घंटे 13 घंटे। मतलब कोई एनर्जी में कमी पाई आपने? किसी भी टीचर की एनर्जी में कोई कमी दिखी क्या आपको? ठीक है, ऑल द बेस्ट आपके लिए। और टुमारो हमारा यही टाइम रहेगा 7:45। ठीक है, आप क्लास आइए। थैंक यू स्टूडेंट। आप देख रहे हैं कि ये है मॉर्निंग की हमारी पहले दिन की क्लासेस। स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पे जितने सारे भी स्टूडेंट हैं, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत काम करके आए हैं, 5-10 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे हैं जो 3 महीने का एक्सपीरियंस है जिन्होंने अभी स्टार्ट में काम किया है, या कुछ ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं और काम स्विच करके आए हैं। पर यहाँ पर हम सारे स्टूडेंट को एक तरीके से जीरो लेवल से ही हम सिखाते हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना रियल में जीरो से हीरो, तो बेसिकली यहाँ से होता है जीरो से हीरो। और हम यहाँ पर हर एक से आईसी रिबोलिंग यहाँ पे सिखा रहे हैं, और हर एक को आईसी जो रिबोलिंग है आप देखेंगे अभी ये एमएमसी को रिबोल कर रहे हैं, उसके बाद ये पावर रिबोल करते हैं, और यूनिवर्सल से ही हम इनको सारा काम करवाते हैं। एमएमसी के से भी एमएमसी के हम पीसी जो स्टेंसिल है उससे हम उसको रिबोल करा रहे हैं। और हर स्टूडेंट का डाटा आप देखिए इससे टेलीकॉम में लाइव जाइए। अगर आप लाइव नहीं गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप फेसबुक पर जाइए, सर्च कीजिए इससे टेलीकॉम, और लाइव जाके हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और देखिए कल सुबह की क्लास। देखिए कौन ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो डेली दिन में इतने दिन का आउटपुट की क्लास के वीडियो बना रहा है हर दिन, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट ना अपनी चीज़ों को बोलता है कि हम तो हाइड करके चलते हैं, हम तो हाइड करते हैं, क्योंकि वो अपने ना बेसिक कॉन्सेप्ट को भी दिखाना नहीं चाहता है। उसको पता है मैं अपने स्टूडेंट का चेहरा नहीं दिखाना चाहता। यहाँ पर हर स्टूडेंट का चेहरा पहले दिन से आखिरी दिन तक देखते हैं। सो दोस्तों इस कदर तक आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है, तो मैं तो ये कहूंगा कि आज ही ज्वाइन करो एसर टेलीकॉम। तो सर ये दोनों को भी चेंज करना होगा चार्जिंग के ऊपर वाले चेंज। अगर चार्जिंग में टेम्परेचर कह रहा है तभी तो आपने तीनों ढूंढना है, पहले उसको फिर ये, पहले बाहर में लगे फिर आईसी के अंदर लगे और फिर ये लास्ट में। हां आज ऐसे, और सबसे पहला ध्यान रखना, मैं नंबर भी लिख रहा हूं, सबसे पहला कौन सा ढूंढना है, किसके पास वाला सबसे पहले ये खराब होता है, ये खराब होता है, फिर दूसरे नंबर पे इस पे जाना, ये तीसरे नंबर पे जाना। सबसे ज्यादा खराब सीसी वाला होता है, क्योंकि ज्यादातर हीट वही पड़ती है, और हीट पड़ने का रीजन है कोई टेक्नीशियन अगर सीसी को चेंज कर रहा है तो वो थर्मिस्टर हीट खा जाता है, फोल्डर चेंज करने के टाइम पे वो थर्मिस्टर हीट खा जाता है और चार्जिंग का एरर दे देता है, क्योंकि फोल्डर चेंज करने के बाद आप लास्ट लास्ट पे हीट देते हो। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद मैं लाइव क्लास लेनी है, जब मैं प्रैक्टिकल में चेक कर रहा हूं। आप देखिए कि यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली एक एक कंपोनेंट उनको चेक करके बता रहा हूँ, टेस्टिंग बता रहा हूँ डीपली लेवल पे। ये यूट्यूब की यहाँ पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे जो नॉलेज है ना दोस्तों, वो एक नंबर का आप लोएस्ट कैटेगरी का नॉलेज है, मतलब उससे बंदा डीमोटिवेट हो जाएगा, ले दे के कस्टमर के फ़ोन को ही डैमेज कर देगा। आपको काम ये करना है, क्योंकि YouTube पे ना Google का नॉलेज है, आप Google पे सर्च कर लो वो रटा रटाया नॉलेज होगा। बेसिकली आप हमारे पास आएंगे तो आप हर एक चीज़ को समझेंगे, उसका प्रिंसिपल, उसका फंडामेंटल, और वो समझ के आप उस पर काम करेंगे। हम यहाँ पर हर एक कॉम्पोनेंट को समझाते हैं, उस कॉम्पोनेंट से आने वाले फॉल्ट समझाते हैं, और यहाँ तक कि उसका लीकेज और उसके एक और फॉल्ट में कैसे उसको चेक करेंगे, और बेसिकली पीसीबी में वो क्या क्या काम करता है। रटा रटाया वाला यहाँ पर कोई भी नॉलेज नहीं दिया जाता दोस्तों, और हर स्टूडेंट को बकायदा, ऐसा नहीं है कि जिसको बता दिया उसको समझ में नहीं आया, उसको बोला कि तुम जाओ मेहनत करो। हर स्टूडेंट से 10 बार पूछते हैं, हर स्टूडेंट को नोट करवाते हैं। फिर आप देखिए इसके बाद हमने शाम को, यह हमारा दिन का है, 12 घंटे की क्लास बोलने की नहीं होती दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअल में हम क्लास करवाते हैं। अब यहाँ पे हमारी दिन भर थ्योरी क्लास चलती है, और फिर शाम को उसी थ्योरी क्लास में स्टूडेंट सारे कंपोनेंट जो हमने प्रैक्टिकली चेक करवाए हैं वो सब कुछ फिर से हम स्टूडेंट से ही प्रैक्टिकली चेक करवाते हैं, और कम से कम हर एक कंपोनेंट को 10-10, 15 या 5-5 बार हम उनसे निकलवाते हैं, लगवाते हैं। मतलब पहले दिन से कंपोनेंट निकाल रहे हैं, पहले दिन से SMD का यूज़ कर रहे हैं, पहले दिन से ही चेकिंग कर रहे हैं, EMMC और पावर को रिबॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट दिन आप देखिए हमारा,
और अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आप देखिए अगले दिन फेसबुक में जाइए, सवेरे 8 बजे आपको हो सकता है 9 या 10 बजे तक लाइव देखने को मिल जाए, जिसमें हम उनको CPU रिवॉल्व कराएंगे। और फिर दोपहर में आइए तो देखिए कल कॉम्पोनेंट का इनका एंड क्लास है, उसके बाद में शाम को देखिए इनका रिव्यू। और आप देखेंगे कि हर डे का रिव्यू दिया है, हर एक डे का यहाँ पर हम रिव्यू दे रहे हैं। दोस्तों इस टेलीकॉम में ना एक भरोसे का एक गुरुकुल है, ये कोई दुकान नहीं है, ये कोई किसी की दुकान या किसी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कहीं से सीख कर आके बैठा। इस टेलीकॉम में जो आपको मिलेगा वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हमारे पास आए हैं। आप देखिए कितनी बड़ी लैब है, हर स्टूडेंट के बाद में माइक्रोस्कोप, हर स्टूडेंट के बाद में उसकी SMD, हर स्टूडेंट के बाद में उसके टूल हैं। हमने जो टेस्टिंग के लिए PCB है वो भी हम देते हैं, डुअल डिगर करने के लिए भी इनको PCB हम देंगे, ये अपनी PCB लाएंगे ब्लैक पेस्टेड के लिए, और ये अपनी PCB फॉल्टी। हमने इनसे एक एक मोबाइल मंगवाया है सेक्शन का। आप जितने आपके पास मोबाइल हैं वो ऑडियो के हो, ग्राफिक्स के हो, लाइट के हो या डेड हो, आप लेकर आइए हमारा और डायग्नोस कीजिए, उसको बनाइए और एक अच्छा टेक्नीशियन बनिए, अपने मार्केट में तहलका मचाइए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसी भी आप 10-15 हज़ार के या किसी भी फीस के चक्कर में या ये सोच के कि मैं घर से निकलूँ कि नहीं निकलूँ इस चक्कर में आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अपने पैसे बर्बाद करके आ जाएंगे, तो जीवन भर पछताएंगे और सोचते रह जाएंगे कि एक बार मैं इस टेलीकॉम चला जाता तो हो सकता है कि बन जाता, क्योंकि एक एक बार का एक वीडियो डाल दिया तो चलो ठीक है, पर हर बार का आउटपुट निकलता है, हर बार का हर महीने का आउटपुट निकला है और रेगुलर कंटिन्यूस वे में हम आउटपुट दे रहे हैं। दोस्तों इससे बड़ी बात क्या होगी इस टेलीकॉम के लिए, आज ही ज्वाइन करो इस टेलीकॉम और अपना भविष्य बनाओ। थैंक यू वेरी मच। क्या क्या काम किया सर? मैं लाइव पावर IC किया, CPO किया। जब CPU किया तो एक अंदर आए मतलब सर? हाँ सर, एकदम बढ़िया है, इन्हें CPU करवा दिया, ये तो है मतलब। हाँ सर, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे तो एकदम बढ़िया सा काम किया, डबल लेकर। यहाँ पे क्या क्या किया? लाइव CPU और पावर आई, पावर आई सी, और बाद में अब ये लास्ट दिन क्या करके गए? डबल डेक। हाँ सर, डिसिप्लिन सब चीज़ है सर, यहाँ पे जो होनी चाहिए इंस्टीट्यूट में, जो सीखने के लायक जो चीज़ होनी चाहिए सब चीज़ अवेलेबल। अच्छा, लाइव क्या किया आपने? या सर लाइव मैंने CPU लगाया, पावर IC लगाया। आखिर दिन क्या किया? डबल डेकर। क्या हमने आपको बताया कि बोर्नियो कितना मतलब कितना बोर्नियो गलत है? हाँ सर, कि बोर्नियो ने आधा दूरा कान दे। हाँ सर, क्योंकि बना रहे हमारे जैसे ही लड़के। आप स्टूडेंट आते हैं कि नहीं सिखाते सर? यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जी जिसने PCB पे कोई भी कंपोनेंट छोड़ा हो। बिल्कुल, कनेक्टर से लेके कंपोनेंट से लेके लास्ट क्या करके गया सर? डबल डेकर किया था। मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में अच्छे से सीखना है तो एशियन टेलीकॉम में आया। आपने कभी IC पे काम किया था? कभी नहीं। यहाँ पे लाइव क्या किया आपने? लाइव CPU भी लगा, IC पे भी लाइव काम, पावर IC पे काम और IC पे। लास्ट डे क्या करके गए बताइए? डबल डेकर। डबल डेकर मैं जानना चाहता हूँ, लास्ट डे क्या करके गए आप? सर लास्ट डे डबल डेकर। डबल डेकर राहुल राज, लास्ट डे डबल डेकर करके गए। बताओ कि लाइव क्या करके गए? सर लाइव 4G CPU निकाला, पावर लाइव बनाया उसको। हाँ सर, एक बार राहुल के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। आपने सर लास्ट डे अपन ने मतलब डुअल डेकर पर वर्क किया, क्लीनिंग प्रोसेस पूरा सर, आपने तो 3 टाइम किया ना उसको? हाँ, मेरे वो ब्लैक पेस्टेड फोन था वो मैंने खुद ऑन किया और सर को दिखाया। दिखाइए आप क्या क्या काम किया? लाइव पावर IC और लाइव CPU किया, और लास्ट डे क्या करके गए? डुअल डेकर। डुअल डेकर लाइव क्या किया आपने? सारे टोटल लाइव किए, EMC है, EMC लाइव, पावर CPU लगाया कि नहीं लगाया? CPU टोटल लगा, टोटल लगाया है। लास्ट डे क्या करके गए? डबल डेकर। डबल डेकर तो आखिरी दिन क्या किया आपने? डुअल डेकर। डुअल डेकर बढ़िया तरीके से किया सर। आप किस पर? मेरे साथ लाइव क्या किया आपने? हाँ दोस्तों, बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर CPU को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल डेकर CPU। डुअल डेकर CPU आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। CPU भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल डेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने, लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर CPU करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर CPU। डबल डेकर CPU और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? कैसे रिबोल करके लगाना, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल।
आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया था। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर, डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाया, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? कर डुअल डेकर सीपीयू, डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू, ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you, Desper.